नुहे केवल वर्षा पार्वण में भिजिब अधा ओडिशा उपकूल ओडिशा रे दुई दिन बर्षिब बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। एहा आसंता 24 घंटा रे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिब। एहा परे एहा दक्षिण ओडिशा व उत्तर आंध्र उपकूल महापार संभावना रहिछि। एहार प्रभाव परे 16-17 रे किछि जिल्ला रे प्रबल वर्षा होइ पारे। ओडिशार उपकूल अंचल रे दिने दुई दिन एही वर्षा लागि रहिब। लघुचाप क्षेत्र भावे एहा उपकूल अतिक्रम करिब तेबे एहा कोनोसे बात्या नुहे बात्यार रूप मध्ये नेबो नाही केवल वर्षा हेबो बोली कहिछंती आईएमटीडीजी। 14 तारीख पाखु 17 तारीख जाए यार प्रभाव रहिबो विशेषतः सामान्य रू मध्यम धरणर वर्षा हो पारे। आज जमी उपकूल अंचल वर्षा आरंभ हो धीरे धीरे आभ्यंतर अंचल वर्षा हेबो एवं विशेषतः यार अधिक वर्षा हबार संभावना ना केवल आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल हो पारे मैंने कह भाँ कौटी प्रबल वर्षा हो पारे और 16 तारीख 17 तारीख पर तेणु हेवी रेनफॉल वार्निंग दि जाए। दशहरा परे परे राज्य को बात्या आसिबो बोली जहां आलोचना हेउथिला सेथिरे पुनच्छेद पड़ी। आमर पूर्वानुमान अनुजाई घूर्णिबलय प्रभाव में पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप क्षेत्र वर्तमान सक्रिय रही। एथिपाई उपकूलवर्ती और आभ्यंतरण 11 जिले में येलो वार्निंग जारी करा जाय छी। सेपरि मयूरभंज बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी जिलार किछि स्थान में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। आसंताकाली 19 जिले में बिजुली खड़गड़ी सह वर्षा हेबो। कटक एवं भुवनेश्वर हालुकारो मध्यम धरणर वर्षा होई पारे। सेपरि 17 तारीख में मयूरभंज बालेश्वर भद्रक में प्रबल वर्षा हेबाकु थिबारु येलो वार्निंग जारी करा जाय छी। इति लघुचाप क्षेत्र सर्वाधिक प्रभाव 16 तारीख रहिबार संभावना रहिछि। हमर 19 जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा संभावना थिबाले 6 जिला मयूरभंज बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी जिले में आम गोटे दुईट स्थान में प्रबल वर्षार संभावना थी येलो वार्निंग जारी करपर 17 तारीख में मयूरभंज बालेश्वर और भद्रक गोटे दुईट स्थान में प्रबल वर्षा संभावना थी येलो वार्निंग जारी कर। देश में दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रत्याहार जारी रही। ओडिशा रे आभ्यंतरण जिलारु प्रतिहार हो सारी केवल उपकूल जिले में प्रक्रिया जारी रही। जो लघुचाप बलय सृष्टि से आसंता 5 दिन जाए मौसुमी प्रत्याहार होबार नहीं। दिल्ली गगन विश्वाल भुवनेश्वर कविता स्वईं रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।